एक्वास्टार नहीं है क्या? कर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में पहली बार आत्मविश्वास और ऊर्जा का प्रतीक स्मार्ट महिलाओं का आधुनिक बुटीक दीपनाश साड़ियाँ और ब्लाउज आपको मिलेगी। कैजुअल और फॉर्मल साड़ियाँ, पार्टीवेयर डिजाइनर साड़ियाँ, हैंडलूम साड़ियाँ, हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई साड़ियाँ, ब्राइड और ब्राइडमेड के लिए लहंगों की प्रीमियम रेंज, डिजाइनर और हैंड एम्ब्रॉयडरी किए हुए ब्लाउज के फैब्रिक्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। पहली बार पॉट ब्लेयर में दीपनाश। नमस्कार, नुसाप्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं लेबर कमिश्नर के ऑफिस के यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग हैं, और ये सब जो है जितने भी है DRM वर्कर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स, और ये सब जो है BMS भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए लोग यहाँ पर हैं। और भारतीय मजदूर संघ जो है हमेशा ही इन लोगों का जो है आवाज़ को रेज करता है, और इन सब का जो मुद्दा अभी फ़िलहाल जो चल रहा है एरियस बोनस, और काफ़ी लोगों को जो है काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, 1/3 भी नहीं किए गए, 1/38 पे भी उन्हें नहीं दिए गए, और इन सभी मुद्दों को लेकर भारतीय मजदूर संघ के अंडर और जैसा APWD कर्मचारी संघ और भी काफ़ी इनके अंडर जो है इस तरह के संस्था हैं, तो उन सभी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं PWD म्यूनसिपल और सारे डिपार्टमेंट के जितने भी DRM वर्कर्स हैं इस समय यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि हमने कुछ दिनों पहले ही एक न्यूज़ कवर किया था जिसमें लक्ष्मण जी ने जो हमसे बातचीत की थी, उसमें 13 तारीख को जो उन्होंने जो है धरना प्रदर्शन तिरंगा पार्क में जो है धरना प्रदर्शन करने की बात की थी, और उस धरना प्रदर्शन को ही लेकर यहाँ पर जो है आज कुछ यहाँ पर हुआ है। तो जितने भी डेलीगेशन्स है वो लोग ऊपर गए हैं बात करने के लिए लेबर कमिश्नर से कि आखिर इन लोगों का जो समस्या है वो सॉल्व होगा कि नहीं, और इसीलिए हम भी यहाँ पर आए हैं। हम वही देखेंगे कि आखिर ये लोग धरने पर बैठेंगे कि नहीं, और आज किस इशू को लेकर ये लोग यहाँ पर आए हैं। काफ़ी दिनों से जितने भी आइलैंडर्स हैं वो परेशान है, और जितने भी हमारे गरीब भाई बहन हैं वो लोग भी परेशान हैं, तो लोगों को जो है रेगुलराइजेशन के लिए ही लोग जो है काफ़ी परेशान हैं। तो हम देखते हैं अभी जो डेलीगेट्स गए हैं अंदर, उनमें से जो भी लोग बाहर आएंगे उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे, और आखिर किस मुद्दे को लेकर और अंदर से क्या जो भी बातचीत हुई है और क्या जो है इसका मसला निकला है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो लेबर कमिश्नर ऑफिस के बाहर भी काफ़ी लोग हैं, यहाँ पर करीबन 100 से 150 लोग के करीब यहाँ पर है, और भी लोग हैं यहाँ पर जो, और कुछ लोग जो है अभी गए हैं बात करने के लिए लेबर कमिश्नर से। हम बताते हैं जैसे ही वो लोग आएंगे तो उनसे भी हम आपको बात कराएंगे और आखिर क्या निर्णय लिया गया है 13 तारीख को लेकर, क्योंकि ये जो धरना है जो 13 तारीख को जो धरना होने जा रहा है ये बहुत ही बड़ा धरना है, और ये धरना अगर हुआ तो काफ़ी लोगों को जो है इससे नुकसान होगा, क्योंकि ये लोग जो है हंगर स्ट्राइक प्लस टूल डाउन स्ट्राइक, तो जितने भी वर्कर्स हैं ये लोग जो है अपना काम धाम छोड़कर जो है धरना प्रदर्शन और ये लोग जो है हंगर स्ट्राइक पर उतरेंगे, तो अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही बड़ा नुकसान होगा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, और काफ़ी लोगों को इसका जो है परेशानियाँ उठानी पड़ेगी काफ़ी लोगों के ऊपर, और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी काफ़ी दबाव बनेगा अगर ऐसा हुआ तो।
तो आइए अब हम APWD कर्मचारी संघ से लक्ष्मण जी से बात करेंगे। जैसा इन्होंने हमें इंटरव्यू दिया था और यही 13 मार्च को जो है इन्होंने जो है हंगर स्ट्राइक प्लस टूल डाउन स्ट्राइक करने का जो है इन्होंने एक नोटिस भी दिया था एडमिनिस्ट्रेशन को, तो उसी को पर हम इनसे बात करेंगे क्योंकि अभी जो है लेबर कमिश्नर ऑफिस से ये लोग जो है बात करके आए हैं, वार्तालाप करके आए हैं। तो आइए इस बीच क्या वार्तालाप हुई है वो हम जानते हैं, क्योंकि हमें ये सुनने में आया है कि कहीं ना कहीं प्रशासन जो है रोक रही है कि आप लोग हंगर स्ट्राइक नहीं कीजिए तिरंगा पार्क में, तो आखिर क्या बात है ये हम जानते हैं इनसे, आइए बताइए। सर आपको यहाँ आने के लिए धन्यवाद। सर अभी जो लेबर कमिश्नर से जो काउंसलिंग ऑफिसर से जो हम लोग मिले हैं उन्होंने बोला है कि हमारा पास तो ऐसा कोई स्कीम नहीं है जो आप लोगों को रेगुलाइज कर सकता। अच्छा। तो चीफ इंजीनियर साहब का वहाँ से जो रिप्रेजेंटेटिव आया था महेश्वर राव सर, तो उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते जब तक एडमिनिस्ट्रेशन में हम फाइल भेज चुका है, जब तक कोई स्कीम बना के नहीं लेकर आएंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकता। साल भी हो सकता है, दो साल भी हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है स्कीम के लिए। तो हम लोग कई सारा मुद्दा में बात किए कि जो वैकेंट पोस्ट है 3000 प्लस, उसमें जितना पोस्ट है तो उतना को तो आप रेगुलर करिए, बाकी को 1/3 दीजिए करके बोला। तो वो भी स्कीम के ही तो आ रहा था, वो स्कीम जब तक नहीं बनेगा तब तक हम लोग नहीं कर सकता बोला। तो फिर सर हम लोग क्या करेंगे बोला, तो हम कुछ नहीं कर सकते, आप लोग का मर्जी है बोला। तो और कितने दिन आप लोग बर्दाश्त करेंगे इस तरह की? तभी उसमें हर एक से बोला है कि जो स्कीम हमारा बीजू पिल्ले सर से स्कीम कई सारा स्कीम बताए, स्कीम के बारे में बताए, फिर आपका यो सब भी कहीं स्कीम बोला है, तो वो सारा जो अभी हम लोग एज चले गया रिक्रूटमेंट रूल से होने से अभी इमिडिएटली हो जाएगा। जो रिक्रूटमेंट रूल जो अभी MTS के लिए दिया वो सेम प्रोसीजर में फाइल करेगा तो इमिडिएटली गवर्नमेंट अप्रूवल दे देगा, उसमें क्या हम लोग कोई भी जन नहीं आएगा क्योंकि एज रिलैक्सेशन भी करवा देगा बोलता, मगर आज हम लोग 10 साल पहले की तरह बस्ता लेके भाग पाएगा तो नहीं पाएगा, उसमें हम लोग एग्री नहीं हुआ। ठीक है, ये चीज़ तो होना नहीं, जो MTS का पोस्ट था बोला वो अलग कैटेगरी का, उनका हम बाहर दे दिया बोला, तो वो विषय में भी बात हुआ। तभी जो बोला है 1 वीक का टाइम, दोनों हमारा तरफ से और चीफ इंजीनियर का तरफ से भी 1 वीक का टाइम पूछा है, जो जो स्कीम है उसको पहले लेबर कमिश्नर का से फाइल मोमेंट होकर लेबर सेक्रेटरी को जाएगा, वो कैसा काम होता है वहाँ से सेक्रेटरी के बाद से LG के पास जाएगा, वो जितना दिन में होगा उतना जल्दी करके देंगे करके बोला है। तो अगला फ्राइडे को सेम टाइम में हम लोगों अपना अपना जितना डॉक्यूमेंट्स है, जितना स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कहीं कहीं लागू हुआ है, तो वो सारा स्कीम को जमा करने के लिए बोले। तो अभी आप ये बताइए ना, 13 तारीख को हंगर स्ट्राइक विद टूल डाउन स्ट्राइक जो है आप लोग करने जा रहे थे, तो ये चीज़ आप लोग करेंगे अभी करेंगे बोलने से अभी जो मैं बात बताया अभी सारा लोग सुन रहे हैं, सभी लोग का डिसीजन के ऊपर ही हमारा डिसीजन होगा। तो अभी भी जो है आप लोग असमंजस में है कि करेंगे कि नहीं करेंगे, राइट? नहीं नहीं नहीं, डिसीजन तो हो चुका है, मगर अभी जो कॉन्सलेशन के लिए एक ऑफिसर बुलाया है उनका तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेटिव आया है, तो उनका जो बात हुआ हम बताए, फिर कई सारा क्लॉज लेके आए, उमा देवी का केस का मुद्दा को भी लेके बात करें, लगभग 1 घंटा तो हो गया, तो कई सारा मुद्दा में उमा देवी का केस में लेकर आए, उसमें भी हम लोग कोई जगह सेट नहीं बैठते, वो आके 96 से 2006 में उसके पीरियड ख़त्म हो गया, फिर आज के डेट में फिर कोर्ट केस जाके फिर अगला 10 साल का लेकर आया तो कोई भी नहीं आएगा, तो उसमें भी नहीं पॉसिबल होता है। तो दोनों जन बैठ के पॉजिटिव वर्क करने के वास्ते पॉजिटिव सोच के 1 वीक के अंदर हमको दीजिए, नेक्स्ट 1 वीक में अंदर हम फाइल मूवमेंट कर देगा, तो उसके ऊपर आप लोग जो डिसीजन करेंगे आप करिए बोला। तो जैसा हम आपको बता दें कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन सबको ये पता था कि 13 मार्च को आप लोग जो है हंगर स्ट्राइक करेंगे और टूल डाउन आप लोग स्ट्राइक भी करेंगे। तो अभी जो यहाँ पर जो निर्णय लिया गया, और ये भी बताइए कि आगे आप लोग क्या कदम उठाएंगे? सर अभी तो 1 वीक का वो तो महीना भर 2 महीना टाइम पूछे, तो हम लोग तो 1 वीक तक तो आप कुछ नहीं कर सकते करके, उनका 10 तारीख है जी, लास्ट 13 तारीख को ये भी उनको पता है, उनका वजह से आज बुलाया वो लोग, क्योंकि नहीं करने के लिए वो लोग रिक्वेस्ट करें। अभी जो भी कुछ है हमारा भाई लोग पर में जो बात अंदर हुआ वो मैं बाहर बता दिया जी जी, लेकिन अब जो है आप लोग डिसाइड करेंगे ऐसा आप लोग कह रहे हैं राइट? 13 तारीख को हो भी सकता है मैं भी हो सकता है राइट? नहीं, सबका आवाज़ में ही हम 13 तारीख का स्ट्राइक डिक्लेयर किया था, तो उसके जो फॉर्मेलिटीज़ होता है सभी जगह लेटर देना, वो लेटर दिया है। कई लोगों को तो हंगर स्ट्राइक का बीच में बुलाता है, हमें तो अच्छा लगा कि हमको
स्ट्राइक से पहले बुलाया गया। और इस मैटर को लेकर आप लोगों ने एक्सक्लूसिवली आपने न्यूज़ आप तक से बात की, एक्सक्लूसिव आप लोगों ने हमें ये सब भी बताया कि आखिर आप लोग किस विषय में जो है हंगर स्ट्राइक आप लोग करने जा रहे हैं। किस विषय में सर? रेगुलाइजेशन वन टू ऑल के। तो आपको लास्ट टाइम में भी मैं बोला चीफ इंजीनियर के गेट में, उनका वजह से हाथ जो हमारे भाई लोग खड़ा वो पॉजिटिवनेस सोच के खड़े हैं, मगर हमको स्ट्राइक के बीच में बुलाई करके हम सोच रहे थे, स्ट्राइक से पहले बुलाया। तो जो आपका न्यूज़ का भी अफेक्ट पड़ा है, जो हमारा मैसेज का भी अफेक्ट पड़ने की वजह से आज हमको एक दिन दो दिन पहले बुलाया गया। तो उन्होंने अभी कॉम्प्रोमाइज़ में बोलने से, चीफ इंजीनियर की तरफ से बार बार मैं बोल रहा हूँ कि हमारा पास कोई स्कीम नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते जब तक एडमिनिस्ट्रेशन हमको डायरेक्शन नहीं देता। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी हमसे बात करने के लिए। तो इसके ऊपर में जो है अभी जितने भी दूर दूर से आए हैं उनका डिसीजन में हम आगे काम करेंगे। तो अभी जो भी आप लोग नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे तो आप ज़रूर हमें बताइए और हम आकर कवरेज करेंगे, और कवरेज करने के बाद जितने भी हमारे आइलैंडर्स हैं इन सबको हम जो है हम ये बताएंगे कि आप लोगों के द्वारा जो है क्या काम किया जा रहा है। ज़रूर सर। तो ये थे मिस्टर लक्ष्मण, और इन्होंने हमें जो भी बताया है तो हम आशा करते हैं जितने भी लोग हमें देख रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताएं, और जितना जल्दी हो सके देखिए जैसा इन्होंने ये जी बोलिए ऐसे ही हो जाएगा ना सर। कितना हफ्ता बोलिए सर, हम लोग कितना हफ्ता वेट करेंगे सर? टाइम कितना साल से हम लोग वेट कर रहे हैं, 15 साल हो गया, 20 साल से रिटायर हो गए, एज चले गए, कितने लोग रिटायर हो गए, नहीं होगा सर। एक हफ्ता का बात है ना, तो एक हफ्ता हम लोग हंगर स्ट्राइक में बैठेंगे, एक हफ्ता के अंदर इन लोग जो स्कीम निकालने निकालने दीजिए, और हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। बोलो सब लोग पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे सर। मतलब 13 तारीख को आप लोग जो है हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे आप लोग? सर बैठेंगे, सर बैठेंगे, जरूर बैठेगा सर। हम लोग हंगर स्ट्राइक में हम लोग यूनियन के सपोर्ट से हम लोग बैठेगा। कितने सालों से ये तकलीफ आप लोग झेल रहे हैं? हम लोग अभी 20 साल हो गया सर, कोई कहेगा 20 साल हो गया, 15 लोग रिटायर हो चुके हैं सर, बहुत लोग मर चुके हैं, कितना साल सहेंगे सर? हम लोग बच्चा लोग हम लोग का बराबर आगे जॉब पाने का उसमें, हम लोग बच्चों को तो जॉब नहीं मिलता, एटलीस्ट बच्चों को फ्यूचर तो हम लोग को ये करना है ना सर। और सर हंगर स्ट्राइक में बैठेंगे सर, जो होगा हंगर स्ट्राइक में होगा, और एक हफ्ता हो, 10 दिन हो, 20 दिन हो, हम लोग वहाँ से नहीं हिलेंगे। तो आज जो यहाँ पर बातचीत हुई है इससे आप लोग नाखुश है क्या? जी नाखुश है सर। तो इस विषय में और कोई हमसे बात करना चाहता है? बैठेंगे, बहुत उम्र हो गई, अभी हम लोग अब दाढ़ी देखने से आपको मालूम होता है कितना साल हो गया। आपको लगता है कि हम लोग और कोई परमानेंट नौकरी मिलने का चांसेस है कहीं और कोई स्कीम में या किसी में भी हम लोग नहीं आ सकते? तो इसका वजह से एक ही फैसला है, हम लोग का जो मैडम बोली थी बहुत अच्छा लगा, हम लोग जो बहन बोली उसी तरह हम लोग सब मिल के स्ट्राइक में बैठेंगे, एक ही फैसला हम लोग का है। तो आप सबके एक ही फैसला है, एक ही निर्णय है आप सबका कि आप लोग जो है 13 तारीख को हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे? इसलिए एक हफ्ता टाइम दिया ना, हम एक हफ्ता वहाँ वेट करेंगे, रेस्पॉन्स आने से ठीक है, रेस्पॉन्स नहीं है वो कंटिन्यू रहेगा। जी आप क्या? जी बैठेगा, जरूर बैठेगा, हम लोग पीछे नहीं हटेगा। कितना साल का सर्विस हो गया, हो चुका है आपका? अभी 15 साल पार हो गया जी। चलता कितने साल से आप लोग वेट ही कर रहे हैं? हम केस भी जीत गया, जजमेंट हो गया, तब भी हमको इम्प्लीमेंट किया नहीं है। मेरा साथ का बैच वाला सभी को 1/3 भी हो गया, हमको अभी तक हुआ नहीं है। आखिर क्यों ये पक्षपात क्यों? वो अभी एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम है, हम क्या बताएगा सर? हम भी आपका जैसे, इन लोगों सभी का जैसा, हम भी एक लेबर है, हम रोलर ड्राइवर पोस्ट में, मैं कह रहा हूँ मोहनपुरा वर्कशॉप में काम करता है, इन लोग करते ही नहीं, कोई भी आलस से करता नहीं, CIT को हमेशा एक्सक्यूज देते ही है दिन को पर इन लोग टाइम पूछते रहता है, वही चीज़ हम लोग के साथ नहीं सकेगा, और हम लोग के साथ और वो नहीं चलेगा। हम लोग 13 तारीख को जो फैसला किया है हम लोग बैठेगा, इसमें कोई शक का बात नहीं है, पीछे नहीं। 13 तारीख को बैठेंगे हम लोग, क्योंकि पिछला 2003 से हम लोग जॉब में है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। 2007 में हुआ, स्टे हुआ, पोस्टपोन करा, उसका बाद में और कोई 2003 से अभी 2020 साल हो गया, मेरे को 20 साल हो चुका है, और हम लोग बस में ताकत नहीं है, हम लोग जो करना है अंडर स्ट्राइक करके हम लोग करेंगे, नो प्रॉब्लम। हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोग PLOD की तरफ से फुल एक स्टाफ है जो इतनी ज्वन से बहुत 20-25 साल से जो एक बार भी कि पोस्ट निकाला नहीं गया है, और हम लोग ये चाहता है कि रेगुलाइज करना है तो टोटली फुल करिए, नहीं तो कोई स्टेप बाय स्टेप कुछ तो एक्शन करिए जो हम लोग नहीं झेल सकता है, क्योंकि ये जो पेमेंट से जो हम लोग का घर किसी का नहीं चल रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ये शर्मनाक बात है कि जो घर में जाने से हर चीज़ के लिए किसी को भी कोई भी इतना दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और हम लोग आप कुछ कह रहे थे, आप क्या ये बैनर लेकर? ये बैनर देखिए, इसके तहत में हम लोग 13 तारीख से सब मिलके बैठ रहे हैं हंगर स्ट्राइक में।
और वो बहुत होगी। मतलब आप लोगों ने जो है ठान लिए 13 तारीख को आप लोग तिरंगा पार्क में हंगर स्ट्राइक आप लोग करेंगे ही करेंगे, राइट? बैठेंगे जरूर, सब एक ही आवाज है सबका, बहुत होगी। आखिर जब आप लोग हंगर स्ट्राइक करेंगे, आखिर उसके बीच में कुछ होता है या मतलब पुलिस आती है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम लोग अपना मर्जी से एडमिनिस्ट्रेशन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ही होगा, और जिम्मेदारी उनका डिपार्टमेंट वो लेके चला रहा है, सारा डिपार्टमेंट उनका हाथ में है, तो उन्हीं का जिम्मेदारी है, वही फैसला करे, जो करे वो उन्हीं वही करे। मतलब सिंपल वे में कहें तो आज इनका जो है सब्र का बांध जो है टूट चुका है, और सब्र का बांध टूटने के बाद जो है ऐसी आवाज़ आने लगी, और जितने भी भाई बहन हैं वो खुलकर वो हमें उन्होंने अपना जो भी दिल में जो भी बात था वो हमारे सामने बताया, और इतने सालों से ये लोग काम कर रहे हैं, और आखिर पक्षपात क्यों किया जा रहा है, रेगुलाइज इन्हें क्यों नहीं किया जा रहा है, और इसी विषय को लेकर हम यहाँ पर आए थे। और जो है 13 तारीख को धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन आज जो है उसे रोकने का कुछ बात चल रहा था, इसलिए कुछ डेलीगेट्स गए थे BMS के तरफ से, और उनके अंदर जितने भी APWD कर्मचारी संघ है उनसे तो। लेकिन हम आपको ये बता दें, एक यहाँ पर जो है जैसा APWD के DRM नहीं है, काफ़ी जितने भी ऑल डिपार्टमेंट है उन सब के जो है DRM वर्कर्स यहाँ पर है, उनके भाई बहन हम यहाँ पर है, तो उन सब के तकलीफ़ों को देखते हुए ये लोगों ने ये निश्चय लिया है कि ये लोग जो है स्ट्राइक पर बैठेंगे। तो इसका आगे का अपडेट भी हम आपको देंगे, बने रहे हमारे साथ और देख रहे हैं न्यूज़ आप तक। इसी के साथ ही मैं रोहित, कैमरामैन महेश के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।